कोलकाता में प्रसिद्ध आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हाल ही में एक दुखद घटना घटी जिसने पूरे शहर में हंगामा खड़ा कर दिया है। एक 14 वर्षीय लड़के की जान इलाज न मिलने के कारण चली गई और ये मामला अब प्रशासनिक लापरवाही और चिकित्सा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर रहा है। घटना 6 सितंबर की रात की है जब उत्तर कोलकाता में दमदम इलाके में निवासी एक 14 वर्षीय लड़के को गंभीर स्थिति में आरजीकर अस्पताल लेके जाया गया। उसे खून बहने की गंभीर समस्या थी। परिवार के सदस्यों के अनुसार लड़का एक दुर्घटना का शिकार हो गया था जिससे उसके शरीर में गहरे घाव हो गए थे और खून की बड़ी मात्रा बहने लगी। परिवार का दावा है कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो आपातकालीन चिकित्सा कर्मचारियों ने लड़के को तुरंत प्राथमिक उपचार देने से इनकार कर दिया। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि लगभग 3 घंटे तक लड़के को अस्पताल के कॉरिडोर में इंतजार कराया गया जबकि उसका खून बहता रहा। 3 घंटे तक उसे स्ट्रेचर पर छोड़ दिया गया लेकिन किसी डॉक्टर ने उसका इलाज करना जायज नहीं समझा। आखिरकार अत्यधिक खून निकलने के कारण लड़के की जान चली गई। मृतक लड़के के पिता और अन्य परिवार के सदस्यों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने उनकी बार बार की गई गुहारों के बावजूद लड़के का समय पर इलाज करने से इनकार कर दिया। हमारे बार बार कहने पर उसके बावजूद डॉक्टरों ने उसे नहीं देखा। खून बहता रहा लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही कहना है पूरे परिवार का। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लड़के की हालत पहले से ही बहुत गंभीर थी और उसकी मौत का कारण अत्यधिक खून का निकलना था। प्रशासन के अनुसार अस्पताल में उस समय अत्यधिक भीड़ थी और इसी कारण इलाज में देर हो गई। हालांकि इस तरह की घटनाओं से अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना के बाद चिकित्सा जगत में भी आक्रोश फैला हुआ है। कई डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक लापरवाही और अस्पताल में बुनियादी ढांचे की कमी पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि यदि समय पर उचित चिकित्सा देखभाल मिलती तो लड़के की जान बचाई जा सकती थी। कई लोगों ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों की कमी और संसाधनों की कमी का भी जिम्मेदार ठहराया। घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो इस घटना का गहन जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि इस प्रकार की लापरवाही दोबारा न की जाए, इसके लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएं। ये घटना कोलकाता के चिकित्सा तंत्र में व्यापक समस्याओं को एक बार फिर से उजागर करती है। अस्पतालों में संसाधनों की कमी, डॉक्टरों की अनुपलब्धता और प्रशासनिक लापरवाही जैसी समस्याएं आम हो गई हैं जिनका खामियाजा आम जनता को अपनी जान से भुगतना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की तत्कालीन आवश्यकता है ताकि किसी और परिवार को अपने प्रियजन की जान कुछ खोने का सामना ना करना पड़े। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।